बलरामपुर पुलिस लाइन में कराया गया ध्वजारोहण व राष्ट्रगान। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दृष्टिगत हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना व अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, प्रशासनिक भवन, पुलिस लाइन व आवासीय परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान कराया गया। अयोध्या में एमबी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, लगाए भारत माँ की जय के नारे। रायबरेली रोड स्थित एमबी पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा अमृत महोत्सव के तहत प्रभात फेरी निकाली गई। बलरामपुर में 9वीं बटालियन एसएसबी कैंप बलरामपुर कमांडेड, डिप्टी कमांडेड और असिस्टेंट कमांडेड सहित 100 से ऊपर जवानों का आगमन डिवीजन पब्लिक स्कूल में राखी बांधने के लिए हुआ। इससे बड़ी सौभाग्य की बात डिवाइन पब्लिक स्कूल के लिए और कुछ नहीं हो सकता। बलरामपुर के तुलसीपुर के आदर्श नगर पंचायत अध्यक्ष कहकसा फिरोज ने झंडा वितरण कर अमृत महोत्सव का शुभारंभ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ रैली निकाली, जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक, नगर के सम्मिलित गण, सभी नगरवासियों ने रैली का आकर्षण सफल बनाया। अयोध्या में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के दिशा निर्देशन में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक क्रांति दिवस से स्वतंत्रता दिवस तक घर घर तिरंगा झंडा लगवाने निकल पड़े सपा पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे। विधानसभा अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के प्रभु झूलेलाल वार्ड के रामनगर कॉलोनी में सपा नेत्री सिंधु महिला परिवार की अगुवाई में घर घर में लगा तिरंगा। रामनगरी अयोध्या में रक्षाबंधन के पर्व पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। अयोध्या के वासुदेव घाट स्थित श्रावण कुंज भवन की महंत साध्वी रामेश्वरी शरण ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देश के प्रधानमंत्री मोदी व सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की तस्वीर पर राखी बांधकर आशीर्वाद मांगा। राजस्थान के बारा शाहबाद उपखंड मुख्यालय सहित समूचे क्षेत्र में रक्षाबंधन का पर्व बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन पर्व को लेकर कस्बे में सुबह से ही भीड़भाड़ देखी गई। सुबह से लेकर शाम तक भाई बहनों का एक दूसरे के यहां आना जाना लगा रहा। राजस्थान के बारा अटरू में महाकाल मंदिर की शिवलिंग को एक मानसिक विमदित युवक ने बड़े हथौड़े से वार कर क्षति पहुंचाने की कोशिश की। दोपहर बाद जैसे ही सेवा समिति सदस्य मंदिर पहुंचे तो वहां पर भोलेनाथ के शिवलिंग पर हथौड़े की चोटों के निशान मिले। सूचना पर पहुंचे पुलिस जाफ्ते ने मामले की तहकीकात की तो उक्त कृत्य मानसिक विक्षिप्त युवक का पाया गया। महाराजगंज जनपद में जंगल से सटे चकदह गांव में बकरी चराने के दौरान 10 वर्षीय बालक को तेंदुए घसीटकर जंगल में ले गया। ग्रामीणों को आज छत बिछत बच्चे का शव मिला। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।